हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग हिंदी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो 5 मिनट के वीडियो में आपके 15 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 सितंबर। जैसा कि आपको पता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये भारत में इस को जो हिंदी को ये मान्यता कब प्रदान की गई भारतीय संविधान में, तो ये की गई 14 सितंबर 1949 में। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसे कई बार पूछा भी गया है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई, तो ये की गई 14 सितंबर 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, भीलवाड़ा, दिल्ली, वाराणसी या सूरत। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, वाराणसी क्षेत्र की बोली को क्या कहा जाता है, काशिका। ठीक है, सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऊ हमरा के खेले ना देत रहें कहाँ की बोली है। ठीक है, तो ये बोली है कहाँ की, ये है भोजपुरी। दैट इज वाई ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। और ब्रज भाषा का विकास हुआ है शौर सेनी अपभ्रंश से। ठीक है, सौर सेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का विकास हुआ है, ए इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए, क्विक रिवीजन सेशन है तो क्वेश्चन को हम लोग जल्दी जल्दी रिवाइज के फॉर्म में इसको पढ़ने वाले हैं। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है, ये एग्जाम में पूछा भी प्रश्न है। इलाहाबाद में बोली जाने वाली भाषा बोली है कौन सी है, ये है अवधी। ठीक है, अवधी, बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। तो ये संबंध है कहाँ से, द्रविड़ भाषा परिवार। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, काजू शब्द संबंध किस भाषा से है। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है। कभी कभी एग्जाम में कुछ शब्द दे दिए जाते हैं, आपसे पूछा जाता है किस भाषा का शब्द है, तो काजू शब्द किस भाषा का है, तो यह है किसका, पुर्तगाली भाषा का। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। पुर्तगाली भाषा का शब्द है काजू। ठीक है, हड़ौती बोली है कहाँ की, तो हड़ौती बोली है ये पूर्वी राजस्थान की। ठीक है, पूर्वी राजस्थान की। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, तो ये पूर्वी वाला, ये है पूर्वी राजस्थान की बोली है हड़ौती। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है, तो ये है कौन सी, ये है भोजपुरी। ठीक है, गाजीपुर में भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। 10वां प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यह है कौन सी भाषा, हिंदी भाषा है। ठीक है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। और किस आर्टिकल में ये बात बोली गई है भारत के संविधान में, तो आर्टिकल 343। ये आर्टिकल अनुच्छेद भी आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये है प्रिय प्रवास। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ये कीर्ति है और ये है खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य। दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। कामायनी किसके द्वारा लिखी गई है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिए, कामायनी किसके द्वारा लिखी गई है। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है, और ये है कहाँ की, पूर्वी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी। देखिए, मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था जिसमें भाषा और बोलियाँ और उनके स्थान के बारे में डिस्कस किया था। अब से कुछ समय बाद मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप उसको देख लीजिएगा क्योंकि उसमें पूरे अच्छे से कवर किया गया है। छत्तीसगढ़ी भाषा किसकी बोली है, पूर्वी हिंदी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है, पूर्वी हिंदी, डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, नहीं आती है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी आती है। छत्तीसगढ़ी आती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी आती है,
अवधी भी आती है, बघेली भी आती है, ठीक है, मगही ये नहीं आती। देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो जो बोलियाँ हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ, ये है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, और मगही जो है, मगही बोली जो पूर्वी हिंदी में शामिल नहीं है, यह बिहारी हिंदी की बोली है, ठीक है, मगही यह बिहारी हिंदी की बोली है, बाकी छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली ये जो है पूर्वी हिंदी की बोली है, ध्यान दीजिएगा, मगही बिहारी हिंदी है। देखिए कभी कभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रांसलेशन आपसे पूछ लिया जाता है, कुछ शब्द दे दिए जाते हैं आपका, उसका इंग्लिश में आपको बताना होता है, और कुछ इंग्लिश के वर्ड्स दे दिए जाते हैं आपको, उसकी मीनिंग हिंदी में बतानी होती है। तो दो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, यानी कि पृष्ठांकन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एंडोर्समेंट, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सत्यापन का क्या होता है, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन मीनिंग क्या होती है, सत्यापन मतलब वेरीफाई करना, सत्यापित करना, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। संशोधन मतलब अमेंडमेंट का क्या होता है, अमेंडमेंट में बदलाव करना, यानी कि संशोधन बदलाव करना, ठीक है, और स्पेसिमेन का होता है प्रतिरूप, ठीक है, प्रतिरूप, अमेंडमेंट, संशोधन, स्पेसिमेन, प्रतिरूप, एंडोर्समेंट का होगा पृष्ठांकन, और वेरिफिकेशन मतलब सत्यापन। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होगा, एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होगा, इंपॉर्टेंट है और ईजी है, तो ये होता है शपथ पत्र, ठीक है, एफिडेविट का हिंदी अनुवाद होगा शपथ पत्र, ठीक है। प्रस्ताव का क्या होता है इंग्लिश में, इसको हम लोग कहते हैं रेजोल्यूशन, ठीक है, और समायोजन होता है एडजस्टमेंट, और विवरण होता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 15 जो कि हिंदी के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, जो मैंने क्वेश्चन पूछा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।